हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल स्टडी विद एनआरएस। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि 2020 से ही लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए हैं और जिन लोगों ने स्टार्ट कर भी दिए हैं वे लोग इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ थोड़ा टिप्स शेयर करके आप लोगों का हेल्प करना चाह रहा हूं, जिससे कि आप लोग अपने पढ़ाई में मन लगा सकें और स्टार्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सारे टिप्स को बारीकी से समझते हुए उनको फॉलो करें तो ज़रूर आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टिप्स यह है कि जैसे कि दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्ट इजी कामों में ही बनती है। ये तो पढ़ाई है दोस्तों, इसमें कैसे इंटरेस्ट लाएं? अगर आप जिस चीज़ को भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उसको इजी बना लें तो आपकी इंटरेस्ट उसमें आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो दोस्तों, सवाल आती है कि आप उसको इजी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आप उसको इजी कैसे बताएं। तो दोस्तों, आपको तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसे टीचर से पढ़ाई करनी है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत अच्छी हो, मीन्स आप उसको समझ पाते हो बहुत अच्छे से, जैसे कि कोई भी डाउट्स ना रहे और कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार पढ़े तो उससे समझ आ जाए, चाहे आप वह ऑनलाइन पढ़ें या तो फिर वह ऑफलाइन से पढ़ें। और ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। फिर फर्स्ट टिप्स में ही दूसरी बात, आप लोगों को पहले डायरेक्ट चैप्टर्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि दोस्त चैप्टर्स, जैसे देखिए, अगर आप चैप्टर्स डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वह तो आप नहीं जानते हैं ना पहले से। अगर आप उसे पढ़ेंगे डायरेक्ट तो आपको समझ नहीं आएगी, ऊपर ऊपर से ही पार हो जाएगी। पहले आप उसको बाहर से देख के ही इजी बना लें। तो उसको कैसे बनाएंगे? सपोज आप अगर ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं अभी, तो यूट्यूब पर सर्च करें उस टॉपिक को और फर्स्ट ऊपर से ही ऊपर देख लें, सिर्फ आप किताबें नहीं खोलें, तो आपको उससे हार्ड नहीं लगेगी, लगेगी कि वह आसान है। और उसके बाद अगर आप उसको पढ़ाई शुरू करेंगे बुक से तो वह रियली में ईजी लगेगी। दोस्तों, नहीं होता है विश्वास तो आप ट्राई कर लीजिएगा इस टिप्स। तो दोस्तों, फर्स्ट टिप्स का ओवरऑल मतलब यह है कि आप कोई ऐसे टीचर से पढ़ें जिसके साथ आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हो। और उसके बाद फिर दूसरी बात यह थी कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ें जो आप नहीं जानते हो, उसे आप पहले यूट्यूब से या तो फिर कोई टीचर से जान लें उसके बारे में, फिर आप बुक से पढ़ें, तो रियली में वह लगेगा कि आप उसको जानते हो, इसलिए वह आपको ईजी फील होगी, इसलिए आप उसे इंटरेस्ट से पढ़ सकोगे और पढ़ाई में इसलिए आपको मन भी लगेगी। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप YouTube से पहले 10 ईयर्स का वीडियोस देख लें, जिससे कि आपको फील होगी कि आसान होती है 10th, उतना हार्ड नहीं होती है, तो जिससे आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि 10th ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। उससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बनी रहेगी कि आसान है, मैं तुरंत कर लूँगा, नहीं तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और इस 10 ईयर्स का वीडियोस देखने से आपको 2-3 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट्स यह है कि आपको चैप्टर्स वाइज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएगी, और दूसरी बात यह कि कौन सी इम्पोर्टेंट चैप्टर से डायरेक्ट वह भी पता चल जाएगी, और तीसरी बात यह कि चैप्टर्स में कितने मार्क्स की वेटेज, किस तरह की वेटेज है मार्क्स की, वह भी पता चल जाएगी। तो आप लोगों को फोकस किस चैप्टर में ज़्यादा करना है वो भी आपको पता चल जाएगी। हालांकि अभी तो बहुत टाइम है, तो आप सारे चैप्टर्स को लेकर चलें और अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ दोस्तों, मैं भी अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर 5 से 7 ईयर्स का शॉर्ट पेपर डालने वाला हूँ, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास भी वीडियो पहुँच सके। सेकेंड टिप्स की बात करें तो जैसे कि हम लोग तो जान लिए हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट और मन कैसे लगाएं, और अब बात आती है पढ़ाई को इफेक्टिव तरीके से कैसे करें। जो 4 टिप्स बाकी हैं वो सिर्फ इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई को करने के लिए ही है, सो आगे वीडियो को ज़रूर देखें।
चलिए सेकंड टिप्स की बात करें तो जैसे कि दोस्तों बेड होती है सोने के लिए, इसलिए हम लोगों को बेड पे नहीं पढ़नी है, हम लोगों को एक अलग से स्टडी टेबल और एक चेयर लेनी है और किसी भी कोने में लगा देनी है, लाइक स्टडी रूम बना लेनी है अगर जब आप लोगों के पास सेपरेट सा स्टडी रूम नहीं है तो, और एक ही रूम में आप स्टडी भी कर सकते हैं, बस एक आपको स्टडी टेबल लगानी ज़रूरी है और साथ ही चेयर, क्योंकि दोस्तों बेड होती है सोने के लिए और उस पर आप बैठेंगे और पढ़ने के लिए तो निश्चित है कि आप सोने ज़रूर चले जाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आप लोगों को एक स्टडी टेबल लगाना ज़रूरी है। बात करें थर्ड टॉपिक्स की तो बात आती है कि सब चीज़ तो डिसाइड हो गई कि कहाँ पढ़ना है और इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ना है, पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन अब क्वेश्चन आती है या सवाल आती है कि पढ़े कब, दिन में पढ़े या रात में पढ़े। तो दोस्तों वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कब पढ़ना पसंद है, रातों में या तो फिर आप लोगों को दिन में पढ़ना पसंद है, क्योंकि दोस्तों सभी का सबकॉन्शियस माइंड कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपने अनुसार से देते हैं, किसी को रात में देते हैं तो किसी को दिनों में देते हैं, तो वो आप लोगों को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा अपने आपको ऑब्जर्व करके। और हाँ दोस्तों अगर आप 10th के अंदर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रात में कम से कम 10 बजे के आसपास या 10 बजे 10:30 बजे के तक सो जाइए और उसके बाद 4 या 4:30 बजे तक उठ जाइए, कुछ एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह करके 5 से 5:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए, बहुत इफ़ेक्टिव होती है दोस्तों। हम फोर्थ टिप्स की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने पहला टिप्स में ही यह तो जान लिए कि 10th इज़ ईजी, इस वर्ड को मैंटेलिटी में तो सेट कर लिए हैं कि 10th बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों उसे इस वर्ड को रियली में प्रूफ करने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि उतना आसान भी नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तभी यह आसान है। तो दोस्तों आप पढ़ें कैसे इसे आसान तरीका से, मीन्स पढ़ाई को भी आप ईजी कैसे करें, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो कि ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों के देश पर अप्लाई किया था और पूरे भारत राज्य पे राज किया था। अब हम लोगों को वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपने सिलेबस पे लागू करना है और उसके बाद उसको डिवाइड करके उस पर रूल करके हम लोगों को पढ़ना है। तब वो करेंगे कैसे, पहले हम लोगों को मंथली में डिवाइड करना है, फिर मंथली टास्क को वीकली में डिवाइड करना है और फिर वीकली को पर डे में। अब पर डे का प्रेशर आपको लेना ही है, मीन्स पर डे आपको वह स्टडी करना ही जो आप डिसाइड करेंगे, अगर आप नहीं कर पाएँ तो आपको उसकी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, खुद से लीजिए, तो उससे क्या होगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो एक डर रहेगा, जिसकी मतलब कि एक मेंटर टाइप का आपके पीछे रहेगा कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो ये पनिशमेंट मिलेगा, जैसे कि पनिशमेंट में कि आज नहीं करेंगे तो आप जब तक करेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, आप अपना फेवरेट चीज़ को छोड़ दें, ऐसे करके अगर जब आप प्रेशर लेंगे तो ऑब्वियसली है कि आप उस टास्क को पूरा करेंगे, अगर उस टास्क को कर लिए दोस्तों उस दिन तो आपको अलग सा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इसी तरह अगर जब आप कुछ दिनों तक करते रहें तो आपकी ये आदत बन जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर जब ये सब आप मतलब ये सब सारा टिप्स को फॉलो करना है तो आपकी मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा ज़रूरी है, आपको मोबाइल कम से कम जब आप पढ़ाई करें तब तक तो छोड़ ही दें, साइलेंट मोड पे डाल दें, मीन्स एरोप्लेन मोड पे डाल दें, साइलेंट कर ही दें नोटिफिकेशन को सारे को और साथ में साथ आप एरोप्लेन मोड ऑन कर दें ताकि दोस्तों आप लोगों के साथ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अब फिफ्थ टिप्स की बात करें तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने फोर्थ टिप्स में डिस्कस किए कि एवरीडे टारगेट बना के उसे अचीव करना है, तो दोस्तों इसे मीन्स इस एवरीडे टारगेट को सेट करके अचीव करना बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसे भी आसान कैसे करें, तो दोस्तों आपको सोने जाने से पहले एवरीडे वही टारगेट्स को एक पेज में लिखनी है और उसे 2 बार जरूर रीड करनी है, उसके बाद आप जब सोने जाएं बेड पे लेटे तो कम से कम 2 से 3 मिनट्स इमेजिन करें और सोचे कि कल सुबह उठकर पहले एक्सरसाइज करना है, फिर पहले तो सोचे कि कितने बजे उठना है, फिर उसके बाद सोचे कि एक्सरसाइज करना है पढ़ना है, अगर आप ये सोच लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आप सुबह उठकर डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे एक्सरसाइज वगैरह करके और उस दिन का टारगेट्स भी अचीव करोगे, ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार सोचना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप सोच लिए तो मीन्स 50% काम तो तभी कर लिए, आप सोचिए और उसके बाद देखिएगा रिजल्ट क्या होता है दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह 5 टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं इतना श्योर हूँ कि आप अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे तो आप स्टार्ट कर देंगे और आप इफ़ेक्टिव तरीके से आप अपने पढ़ाई को कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैं ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो सिलेबस पे अप्लाई करना है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, और शायद मैं बनाऊँगा भी। और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स का जो पेपर्स होता है उसका सॉल्व आंसर्स भी अपलोड करूँगा, सारे सब्जेक्ट्स का लगभग। सो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का भी हेल्प होगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।